हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस में। ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से ट्वेल्थ भौतिक विज्ञान, ये जो आपका ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स है जो हिंदी मीडियम है, इसकी एक सीरीज दी जा रही है जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए होने वाला है। ये स्पेशली सीरीज एमपी बोर्ड वालों के लिए दी जा रही है, पर अगर आप किसी और बोर्ड से हो तो भी आप इसको स्टडी कर सकते हो क्योंकि कंटेंट सेम ही है। बस थोड़ा सा फर्क होगा जो आपके आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक है, ये आपको मतलब आपके बोर्ड के हिसाब से नहीं मिलेंगे। इसमें आईएमपी क्वेश्चन जो मैं बताते जाऊंगा वो एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो जो आपको ये ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से ट्वेल्थ भौतिक विज्ञान की सीरीज दी जा रही है, इसका डे सेकंड है। डे फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। आपका जो ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है, इस वजह से आपको जरूरी फर्स्ट को देख लेना चाहिए जो डे फर्स्ट है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो। तो हम लोग अभी डे सेकंड में देख रहे हैं, जो इकाई एक है हमारा स्थिर विद्युत, अध्याय इसका फर्स्ट है जो है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जहां तक हमने फर्स्ट डे में क्लियर किया था उसके आगे से हम लोग देख रहे हैं डे सेकंड में। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश, ठीक। तो आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होता है, कोई भी आवेशित पिंड जिसके आयाम उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, वे आवेशित पिंडों पर लगने वाले आवेश को बिंदु आवेश कहा जाता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा आवेश होता है यानी जो हमारा चार्ज होता है, तो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे सपोज करो ये एक हमारा चार्ज है, ठीक। तो इस चार्ज को और एक और चार्ज हमारे पास में ये है, इन दोनों के बीच की ये क्या है, ये इनके बीच की दूरी है। ये दो आवेश हैं और इन दोनों के, इसको मैं Q1 मान लेता हूँ, इसको Q2 मान लेता हूँ, और इन दोनों के बीच की दूरी को R मान लेता हूँ। अब ये R इतना ज्यादा लंबा हो जाता है, इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि इसकी कंपैरिजन में, इसकी तुलना में ये इसके जो बिमीय होती है ना, इसका जो आयाम है होता, मतलब इसका जो वॉल्यूम होता है या इसकी जो रेडियस वगैरह होती है वो कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, यानी स्मॉल होती है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है। तो इसको हम किस तरह से मानने लग जाते हैं, इसको फिर हम एक बिंदु मानने लग जाते हैं। जैसे जब आप 11th क्लास में थे तो आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे कि एक हमारे पास में सपोज करो कार है और वो एक जगह से क्या है, जैसे ये कार है तो इसको एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाना, और शहर के बीच की डिस्टेंस सपोज करो 100 किलोमीटर है, तो एक कार की लंबाई आपकी कितनी होगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इससे ज्यादा बड़ी तो आपकी कार होगी नहीं ना। तो ये कार की लंबाई जो है वो आपकी 3 मीटर है, जबकि डिस्टेंस कितनी है, 2 सिटी की 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर की कंपैरिजन में ये 3 मीटर क्या है, बहुत ही छोटा है। तो आप कार को कैसे ट्रीट करते थे उस टाइम पे, कार को आप पॉइंट या बिंदु मान करके चलते थे। वैसे यहाँ पे बिंदु आवेश में क्या होता है कि आप जो आपका आवेश होगा वो बहुत ही छोटा होगा, और आपके इतना छोटा होगा कि उसको आप किस तरह से मानोगे, तो उसको आप बिंदु की तरह से ट्रीट करोगे, ठीक है। तो बिंदु आवेश क्या होता है, बिंदु आवेश वो आवेश होता है जिसके आयाम यानी जिसकी बिमाएं यानी जिसका आयतन क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि एक साइंटिस्ट है कूलाम, जिन्होंने आवेश के बारे में बताया हुआ है, और हम जानते हैं कि आवेश का जो ऐसा ही मात्रक है वो भी क्या है, तो वो भी हमारा क्या है, कूलाम ही है, ठीक। ये अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा होगा, कहीं पे कूलाम और कहीं पे कूलाम करके लिखा होगा इस तरह से, ठीक है। तो वो आप देख लेना जो भी आपकी बुक में या जो आपको सूटेबल लगे उस तरह से। तो ये आपका क्या है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम हम लोग देख रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलाम, इन्होंने कुछ चीजें बताई हुई थी आवेश के बारे में। तो ऐसा बोला था कि सपोज करो कि हमारे पास में ये एक आवेश है, ये एक बिंदु आवेश है, और इसको मान ले रहा हूं मैं Q1, और ये दूसरा बिंदु आवेश है तो इसको मैं मान ले रहा हूँ Q2। ये दोनों बिंदु आवेश मैं, मतलब कोई सा भी आप चार्ज मान सकते हो, जैसे ये आपका प्लस आवेश का है, ये भी आपका प्लस है, या तो दोनों प्लस होंगे, और दोनों प्लस होंगे तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। एक प्लस एक माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों माइनस होंगे तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये भी आपका प्लस है और ये भी आपका क्या है, ये दोनों आवेश आपके कैसे हैं, तो ये दोनों आपके प्लस वाले। जैसे ये दोनों प्लस हैं तो देखो होगा क्या, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग आर मान लेते। तो जो फोर्स लगेगा जब ये एक दूसरे को रिपेल करेगा
तो इधर एक फोर्स लगेगा और एक इस तरफ फोर्स लगेगा, ये इतना क्या होगा, दोनों का अपोजिट दिशा में क्या लगेगा, बल लगेगा। तो जैसे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आर है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है, और दोनों आवेशों को मैं प्लस क्यू वन और प्लस क्यू टू लेकर के चल रहा हूं, तो ये दोनों विपरीत दिशा में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो ये जो बल होगा ये कितना होगा, तो बल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी बल आपका समान अनुपाती होगा क्यू वन के। जितना ज्यादा आप ये आवेश लोगे क्यू वन, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, बल होगा। जितना ज्यादा आप आवेश क्यू टू लोगे उतना भी ज्यादा बल होगा, यानी फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समान अनुपाती हो जाएगा क्यू टू के। लेकिन जितनी ये डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे, जैसे आपके दो आवेश ये हैं और इन दोनों की डिस्टेंस को हमने क्या किया, धीरे धीरे करके बढ़ाते गए, तो इनके बीच का बल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसीलिए जो ये फोर्स होता है या जो ये बल होता है, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वन अपॉन में आर स्क्वायर के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं कि वन अपॉन में आर स्क्वायर के। तो ये समान अनुपाती होता है हमारा एक बटे में आर स्क्वायर। इसको मैं स्टेटमेंट वन मान लेता हूँ, इसको सेकंड, और इसको ये हमारे क्या होगा, थर्ड। तो ये हमारे तीन समीकरण हो गए। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूँ, इन तीनों को जोड़ू, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण एक दो और तीन से, ठीक है। तो समीकरण एक दो और तीन, इन तीनों को मैं मिक्स करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, एफ हमारा समान अनुपाती हो जाएगा किसके, क्यू वन क्यू टू और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक। जैसे ही आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समान अनुपाती के साथ में कुछ आ जाता है, तो इसको आप हटा करके क्या करते हो, एक कॉन्स्टेंट के लगा देते, यानी एक आप इस यहाँ पे क्या लगा देते हो, जैसे ये हटता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ बराबर आ जाएगा हमारा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया, बल हो गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। व्युत्क्रम वर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी ये डिस्टेंस है, ये जो ये दूरी है, ये दूरी के कैसा है, व्युत्क्रम वर्ग है। जैसे आप दूरी को देखोगे तो आर है, इसका वर्ग किया और साथ में कैसा है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो आपकी दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है आपका समान अनुपाती, समान अनुपात, और एक होता है आपका व्युत्क्रम, ठीक है। तो ये व्युत्क्रम अनुपाती में और समान अनुपाती में क्या होता है, समान अनुपाती में जैसे मैं क्यू वन को बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ रहा है, बल भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में बढ़ते हैं। और अगर मैं आर को बढ़ा रहा हूँ, जैसे लंबाई को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये बल जो है आपका ये कम हो रहा है। तो जब बढ़ेगा, एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ेगा तो समान अनुपाती, और एक को बढ़ाने पर दूसरा कम होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपाती। तो ये आपका कैसा है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, क्योंकि दूरी क्या है, व्युत्क्रम वर्ग में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। और इस बल को हम बोलते हैं कूलाम बल, या फिर कूलाम व्युत्क्रम बल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल, ठीक है। तो कभी आपका ये न्यूमेरिकल या डेरिवेशन इस तरह से आए कि कूलाम का वर्ग या कूलाम का नियम लिखिए, या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए, या स्थिर विद्युत बल लिखिए, तो आपको ये डेरिवेशन करना होगा, ठीक है। ये पीडीएफ आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, पर ये जो डेरिवेशन वगैरह होते हैं, ऐसे टाइम पे आप वीडियो को पॉज करके और इनको क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। आगे चलते हम लोग। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कूलाम का वर्ग या व्युत्क्रम वर्ग का नियम, वो हम लोगों ने पढ़ा एफ इक्वल टू क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या होता है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम होता है वो होता है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन जो ये हमारा ऐसा ही पद्धति में अगर हम लोग देखें, और हमारा जो माध्यम होगा, जैसे ये दो चार्ज रखे हुए हैं, ये हमारा क्या है क्यू वन और ये हमारा चार्ज है क्यू टू, ये दोनों चार्ज किसी ना किसी तो माध्यम में रखे होंगे। तो सपोज करो कि ये वायु या निर्वात में, निर्वात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम, मतलब जहां पे कुछ नहीं होता। तो अगर ये दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हुए हैं, तब हमारा के की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। ये जो आप वर्ड देख रहे हो, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। लेकिन अगर पीछे जीरो लिखा हो ऐसा, तो ये जीरो ऐसा नहीं लिखा है कि एप्सिलॉन जीरो, ये इसके नीचे लिखा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो, या फिर इसी को एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और इसका मान होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक। तो जो ये आपका के होता है, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो।
तो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, तो इसी को मैं लिख सकता हूं एफ बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। ये भी आपका क्या होता है, कूलाम का ही लॉ होता है। तो यहां तक हो गया, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पे के की इकाई देख पा रहे होगे कि के जो आपका है वो आपका क्या है, तो ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको जैसे ही मैं के का मान निकालूंगा तो देखो कितना आएगा, या के की ये जो मान है ये क्या है, 9 × 10^9। लेकिन के का यूनिट कैसे निकलेगा, तो हम ये वाले फोर्स को ले रहे हैं, तो बल बराबर हमारा क्या होता है, तो ये होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मैं के को इधर रखूं, बाकी की चीजों को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो के इक्वल टू क्या होगा एफ, और ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, क्यू वन क्यू टू, ठीक है। जब मैं इनकी यूनिट लिखूंगा तो बल जो होता है ये हमारा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है न्यूटन। आर हमारा दूरी है तो दूरी का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर का वर्ग, और क्यू हमारा क्या है, तो क्यू हमारा आवेश है, ठीक है। तो आवेश का हमारा क्या होता है, कूलाम, और दो बार लिखा है तो कूलाम का वर्ग। तो इसीलिए के का हमारा एसआई मात्रक क्या आता है, तो ये आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पर सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका यहीं से आता है कि आप इसको इस तरह से के रिस्पेक्ट में ये पूरे फोर्स को या बल को आप लिख लोगे, फिर उनके एसआई मात्रक रखोगे तो ये होता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, तो आगे हमारा परावैद्युतांक या मुक्त स्थान की पारगम्यता। तो ये हमारा क्या होता है, परावैद्युतांक, इसी को हम क्या बोलते हैं, पारगम्यता बोलते हैं। ये क्या होता है, पारगम्यता या परावैद्युतांक। तो जैसे ही आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम को लेते हो, या जो भी आप माध्यम लेते हो, तो उस माध्यम में जब आप आवेश रखते हो तो उसके ऊपर क्या लगता है, बल लगता है, ठीक। जैसे मैंने क्या काम किया, ये यहाँ पे लेकर के रखा है क्यू वन, और ये लेकर के रखा है यहाँ पे क्यू टू, और इन दोनों को मैंने रख दिया वायु में। ये दोनों कहाँ रखे हुए हैं, वायु में। तो इसके जो पास का जो ये वातावरण है वो क्या है, हमारा वायु है। तो यहाँ पे इसकी परागम्यता कुछ होगी, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो। लेकिन अगर मैं इसके चारों तरफ का ये जो माध्यम है इसको बदल करके जल कर दूँ, क्या कर दूँ, जल कर दूँ, तो इसकी परागम्यता को फिर हम कैसे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एप्सिलॉन से। और जल की जगह मान लो ऐसा कर देता हूँ कि ऑयल कर देता हूँ, यानी तेल वगैरह कर देता हूँ, तब भी इसकी परागम्यता में क्या लिखूंगा, तब मैं इसकी परागम्यता एप्सिलॉन लिखूंगा। मतलब जब आप वायु लेते हो या निर्वात लेते हो तो एप्सिलॉन जीरो, उसके अलावा कुछ भी लोगे तो ये क्या आएगा, एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन की वैल्यू हर एक माध्यम के लिए क्या होगा, बदल जाएगी। जैसे वायु के लिए अलग होगा, जल के लिए अलग होगा, तेल के लिए अलग होगा। मतलब जैसे ही आप दो आवेश लेते हो, ये दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं। तो ये बल आपके माध्यम के ऊपर भी निर्भर होता है कि दोनों आवेश आपके रखे कहाँ हैं। जो इसके आसपास का माध्यम होगा, जैसे ही आप वो बदलोगे तो ये बल भी क्या होगा, आपका बदल जाएगा। तो जो आपका माध्यम होता है आसपास का, उसको हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। ये एप्सिलॉन आ जाता है। तो परावैद्युतांक या मुक्त स्थान की परागम्यता, अभी लिखा हुआ है मुक्त स्थान की परागम्यता, मतलब आपका जो माध्यम है वो क्या है, वायु है या निर्वात है, तो उसके लिए आप क्या लेते हो, एप्सिलॉन जीरो। तो जो ये एप्सिलॉन जीरो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हम जानते हैं के बराबर क्या होता है। देखो यहाँ पे हम पढ़ कर के आ रहे हैं कि के बराबर होता है हमारा एक बटे में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। तो अगर मैं एप्सिलॉन जीरो को यहाँ लेकर के आऊँ तो के यहाँ आ जाएगा, तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन में फोर पाई के। तो एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, तो ये होता है वन अपॉन फोर पाई के। पर एप्सिलॉन की जो मान होता है वो होता है हमारा 8.8854 × 10^-12, और ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। जो ये आपका के का मान, के की जो मात्रक होता है, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है ये, और हम जानते हैं ये एन है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एन की पावर माइनस वन। ये मीटर स्क्वायर है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर की पावर माइनस टू। और ये कूलाम नीचे था तो ये ऊपर जाएगा, तो कूलाम की पावर क्या हो जाएगी, दो। मतलब जो इसका एसआई मात्रक था, एसआई मात्रक में जो इसकी इकाई थी, ये क्या हो जाएंगे, इनके जो घात है, जो इनकी पावर है, उनके सिंबल क्या हो जाएंगे, उनके चिन्ह बदल जाएंगे, और किसकी आ जाएगी, एप्सिलॉन जीरो की इकाई आ जाएगी। क्योंकि के नीचे आ गया तो नीचे से जब ये ऊपर जाएंगे तो इनकी पावर क्या होगी, बदल जाएगी, ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो की ये हमारी क्या होती है, ये हमारी वैल्यू होती है 8.854 × 10^12, ठीक। आप लोगों को जो ये कंटेंट दे रहा हूँ मैं, ये बहुत ही ज़्यादा डीप में दे रहा हूँ, एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम आएगा हमारा, तो एक और नई सीरीज हम लोग देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा,
आपका ये कम टाइम में रिवाइज हो जाए, पर पहले तो आपको बेसिक सारी चीजें सीखनी है। इसी वजह से आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और ये वीडियो को आप पूरा देखा करो, क्योंकि फिजिक्स का कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता है कि आपने ऊपर ऊपर रफली देखा और आपको समझ में आ जाए। और आप तो जानते हो ना कि आपके 28 मार्क्स के क्या आने वाले हैं, MCQ आने वाले हैं या ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं MP बोर्ड में। तो ये 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपको छोटी से छोटी चीज यहाँ पे क्या करनी होती है, देखनी होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है कूलाम के नियम की सीमा है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई साइंटिस्ट एक नया नियम देता है तो उसके साथ में प्रॉब्लम होती है कि वो जो सराउंडिंग होता है, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, उन सबको सही तरह से समझ करके नहीं दे पाता है। तो कई चीज़ें वो क्या कर लेता है, मान लेता है कि ऐसा ही होना चाहिए तभी होगा। तो कूलाम के नियम की सीमाएँ क्या है, तो पहला क्या है, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि हमारे पास में क्या बिंदु आवेश हमने पढ़ा, तो केवल कूलाम का नियम क्या होता है, जब ही लगता है जब बिंदु आवेश है। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास में एक क्या है, पतली सी सीट है, जैसे आपका पेज होता है ना, तो वैसा है, और इसके ऊपर धनात्मक आवेश है। कोई एक और मैं सीट ले ले रहा हूँ, फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, तो उसको हम कूलाम के नियम से नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसको हम दूसरी तरह से देखेंगे, गॉस थ्योरम से देखेंगे, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम क्या देख रहे हैं, कूलाम के नियम की सीमा है। तो पहली इसकी सीमा क्या होती है, पहली ये होती है कूलाम का नियम जब ही निकलेगा जब हमारा आवेश कैसा होगा, बिंदु आवेश होगा। लेकिन ये विस्तारित आवेशों के लिए सत्य नहीं है। तो ये हमारा कैसा आवेश हो गया, विस्तारित, विस्तारित मतलब जो फैला हुआ है, जो चारों तरफ क्या हुआ है, ऐसा बटा हुआ है। तो आप कोई सा भी लंबाई ले लो, क्षेत्रफल ले लो या आयतन ले लो, तो इनके लिए ये आपका कूलाम का नियम सत्य नहीं होता। दूसरा क्या है, यह बहुत बड़ी दूरी और बहुत छोटी दूरी के लिए सत्य है। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटी डिस्टेंस के लिए है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी के लिए भी है। छोटी आप कितनी ले सकते हो, तो ये लिखा हुआ हुआ है, छोटी आप 10^-15 मीटर तक ले सकते हो, और बड़ी कितनी ले सकते हो, तो बड़ी 10^15 मीटर तक ले सकते हो। ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा परमाणु होता है, जैसे ये हमारा क्या है परमाणु, तो इसका जो ये केंद्रक होता है, इसकी दूरी होती है हमारी 10^-15 मीटर। मतलब आप इतना छोटा आवेश भी क्या कर सकते हो, कूलाम, इतनी छोटी दूरी के लिए भी आप क्या कर सकते हो, कूलाम के नियम को लगा सकते हो। और बड़ी 10^15 मीटर, तो ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, क्योंकि 10^15 मीटर को अगर हम किलोमीटर में लिखेंगे तो 10^12 किलोमीटर हो जाएगा। और 1 पावर का मतलब होता है 10, 2 का मतलब 100, 3 का मतलब 1000, 4 का मतलब 10,000, 5 का मतलब हो जाएगा 1 लाख, 6 का मतलब हो जाएगा आपका 10 लाख, 7 पावर का मतलब हो जाएगा आपका 1 करोड़, और यहाँ तो पावर 12 है, मतलब बहुत ही ज़्यादा करोड़ आपके किलोमीटर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी बहुत बड़ी दूरी के लिए भी होता है, बहुत छोटी के लिए होता है, पर इसकी रेंज है, आपकी बड़ी दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 10^15 मीटर यानी 10^15 मीटर, और छोटी क्या होना चाहिए, तो 10^-15 मीटर। इससे बड़ी और इससे छोटी के लिए ये कूलाम का नियम सत्य नहीं होता है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट इसका क्या है, तो इसका लास्ट है हमारी कूलाम के नियम की सीमा है, तो यह है, ये केवल बाकी आरोपों के लिए सत्य है या गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं है। मतलब कि जो जैसे हम चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत, क्या पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी विद्युत जो क्या हो रुकी हुई हो, तो इसमें आवेश क्या होता है, एक जगह रुका होता है। जैसे मान लो ये एक हमारा आवेश है Q1 और एक आवेश हमारा ये है Q2, तो इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ये हमारा आवेश और ये दोनों आवेश कैसे होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, मतलब एक ही जगह पर रुके हुए होना चाहिए। अगर ये आवेश गतिशील हो गया, ये आवेश यहाँ से चल करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आप इन दोनों के बीच का बल निकाल रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कूलाम के नियम से, क्योंकि ये इनके बीच की दूरी क्या है, लगातार बदल रही है। तो आपका एफ भी क्या होगा, ये जो आपका बल है ये भी तो बदलेगा। तो ये आपका किसके लिए सत्य होता है, केवल सत्य होता है आपका किसके लिए, रुके हुए या स्थिर आवेश के लिए। अगर आपका गतिशील है, आवेश चल रहा है, मूव कर रहा है, तो फिर ये आपका सत्य नहीं होगा। तो ये कूलाम के नियम की 3 हमारी क्या थी, सीमाएं थी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पारगम्यता, ठीक है। अभी इससे पहले ऊपर हम लोग डिस्कस करके आ रहे थे पारगम्यता, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पढ़ा हुआ है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है परावैद्युतांक, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पारगम्यता, क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, या फिर ये हमारा क्या होता है, पारगम्यता। तो इसी को अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो एक हमारी पारगम्यता होती है जिसको हम बोलते हैं सापेक्ष पारगम्यता, क्या कहते हैं, सापेक्ष पारगम्यता। देखो जब भी सापेक्ष वर्ड आने लगे, जब भी ये शब्द आए सापेक्ष,
तो इसका मतलब होता है आप तुलना कर रहे हो दो चीजों के बीच में। क्या कर रहे हो? तुलना कर रहे हो। जैसे एक गाड़ी है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब एक आपके पास में कार है जो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है, दूसरा भी कोई आपके पास है और ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो इनकी तुलना करेंगे तो ये दोनों कितनी एक दूसरे के सापेक्ष में कितनी गति से जा रही है। तो ये जो पहला वाला आपका है इसको हम बोलेंगे, देखो ये 15 की से जा रही, ये 10 की से जा रही, तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये 5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से जा रही है। तो पहली कार की स्पीड क्या मानी जाएगी इसकी तुलना में? 5 किलोमीटर पर आवर। तो सापेक्ष वर्ड कहाँ यूज़ होता है? तो सापेक्ष शब्द हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम क्या कराते हैं? तुलना कराते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है? सापेक्ष पारगम्यता। और पारगम्यता आपका क्या है? तो ये आपका माध्यम के लिए होता है। तो हम क्या देख रहे हैं? सापेक्ष पारगम्यता। पारगम्यता को आप लिखोगे एप्सिलॉन से, लेकिन आप पारगम्यता जो आपका मुक्त अवस्था में होगा, जो वायु के लिए होगा, तो उसको आप लिखोगे एप्सिलॉन जीरो से। ये आपका क्या है? तो ये है आपका पारगम्यता। ये क्या है? तो ये यहाँ पे पारगम्यता लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है? पारगम्यता जो आपका है ये क्या हो जाएगा? नहीं, ये गलत लिख दिया। तो ये आपका क्या है? ये आपका पारगम्यता या पारगम्यता जो है, तो जो पारगम्यता है ये आपका क्या है? ये आपका एप्सिलॉन होगा। किसके लिए? कोई भी माध्यम के लिए। पर ये पारगम्यता आपका किसके लिए? वायु के लिए क्या होगा? एप्सिलॉन जीरो। लेकिन जब आप दो की तुलना करोगे तो उसको एप्सिलॉन आर से लिखोगे, क्योंकि आर क्या होता है? तो आर इंग्लिश का वर्ड होता है एक, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव। और रिलेटिव में क्या होता है? तो रिलेटिव में भी सापेक्ष या तुलना कराते, इसीलिए इसको एप्सिलॉन आर से लिखते। और ये आर भी नीचे, तो एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? तो एप्सिलॉन आर होता है हमारा एफ अपॉन में एफ डैश। तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा? तो एप्सिलॉन आर बराबर होता है एफ अपॉन में एफ डैश। एफ आपका क्या है? तो एफ आपका क्या है? बल है जो आपका वायु या निर्वात में लग रहा है। तो ये कितना होता है? तो होता है 1/4π0 Q1Q2/r2 और बटे में हमारा क्या आ जाएगा? एफ डैश। एफ डैश आपका किसके लिए? किसी माध्यम के लिए। तो जैसे मैं माध्यम लूंगा, तो ये जो आपकी पारगम्यता वायु के लिए एप्सिलॉन जीरो है, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/4π और एप्सिलॉन आएगा, जीरो नहीं आएगा। Q1Q2/ क्या आ जाएगा? r2। तो ये जो Q1Q2/r2 है ये तो सेम है, ये कट जाएगा। 1/4π ये भी कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या? तो आपका एप्सिलॉन आर बराबर बचेगा 1/ε0 और 1/ε। ये एप्सिलॉन आपका ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पहले और चौथे का गुणा होता है, दूसरे और तीसरे का होता है। तो ये क्या आ जाएगा? ε/ε0। यानी जो आपका सापेक्ष परावैद्युतांक होता है या जो सापेक्ष आपकी पारगम्यता होती है, वो एप्सिलॉन आर बराबर होता है एफ अपॉन में एफ डैश या फिर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन आर आपका क्या होता है? तो ये होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो सापेक्ष जब आप किसी की तुलना कराते हो, जैसे मेरे को निकालना है कि जल के सापेक्ष परावैद्युतांक क्या होगी, तो मैं जल का परावैद्युतांक लूंगा और इसको भाग दे दूंगा किससे? वायु वाले से। तो ये आपका क्या आ जाएगा? सापेक्ष। और याद रखना, सापेक्ष पारगम्यता हमेशा तुलना करते हैं वायु से। ठीक है, तो नीचे हमेशा एप्सिलॉन जीरो आएगा, पर जिसका हम निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट है, प्रत्येक पदार्थ का सापेक्ष पारगम्यता हमेशा एक से अधिक होता है लेकिन एक से कम नहीं होता। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये जल की हमारा क्या है? सापेक्ष पारगम्यता हमने एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन जीरो लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं जैसे ही माध्यम हम लोग चेंज करेंगे तो पारगम्यता क्या होगी? बढ़ेगी। वायु या निर्वात से तो हमेशा ज़्यादा ही होगी। तो जब एक बड़ी वैल्यू में छोटी से भाग देते तो इसका मान एक से क्या आएगा? हमेशा बड़े ही आएगा ना, छोटा तो कभी आएगा नहीं। तो इसलिए प्रत्येक पदार्थ का सापेक्ष पारगम्यता हमेशा एक से क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन एक से कम नहीं हो सकता। जो ये आपके नोट्स हैं ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। इसको मैं अभी आपको लास्ट लेक्चर के लास्ट में बता दूंगा कि आपको PDF कहाँ पे मिलेगी। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। पर अगर आप साथ में JEE और NEET का एग्ज़ाम भी देना चाह रहे हो तो JEE और NEET के लिए भी ये आपके नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पर ये आपको पूरे सफिशेंट नहीं है JEE और NEET के लिए। पर जब भी आप कहीं से भी JEE और NEET की तैयारी कर रहे हो तो इन नोट्सों को जरूर देख लेना, ये आपका एकदम बेसिक से है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या करा देंगे? क्लियर करा देंगे। तो जब आप JEE और NEET के लिए पढ़ना चाहोगे ना, तो हाई लेवल का जब पढ़ोगे तो ये नोट्स आपका बेसिक होगा। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आपको सारा कुछ समझ में आते जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते, तो नेक्स्ट है हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप। जैसे हम लोग जानते हैं हमारी दो टाइप की राशि होती है, एक होता है हमारा अदिश और एक और हमारा क्या होता है?
तो एक होता है हमारा सदिश, ये 11वीं क्लास में हम पढ़ करके आ रहे हैं। तो अदिश क्या होता है, तो अदिश ऐसी हमारी भौतिक राशि होती है जिसमें केवल क्या होता है, जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है। और सदिश क्या होती है, तो जिसमें हमारा क्या होता है, तो इसमें हमारा परिमाण भी होता है और साथ में क्या होती है, दिशा होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, तो 10 किलोमीटर क्या है, तो ये आपका क्या है, परिमाण हो गया। क्योंकि परिमाण आपका क्या होता है, नंबर के रूप में लिखा जाता है कि इतनी चीज़ें, जैसे मैं बोलूं 10 किलो आलू या 10 किलो क्या हो गया दूरी, तो ये 10 किलोमीटर जो आपकी दूरी है ये आपका क्या हो गया, परिमाण हो गया। और ये कैसी राशि, अदिश। अगर मैं बोलूं आप 10 किलोमीटर पूरब की तरफ चले जाओ, तो आपका ये क्या होगा, सदिश। क्योंकि आप एक तो परिमाण भी दे रहे हो 10 किलोमीटर और दिशा भी दे रहे हो किस तरफ जाना है, तो ये पूर्व की तरफ जाना है 10 किलोमीटर, तो ये आपका क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। और हम लोग 11th क्लास में या 11वीं क्लास में ऐसा पढ़ करके आ रहे हैं कि बल हमारा क्या होता है, तो बल हमेशा कैसा होता है, सदिश राशि होता है। देखो इसके पहले हमने ऐसा पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, तो आपका जो आवेश होता है वो आपका क्या होता है, तो ये आपका अदिश राशि होता है। मतलब इसमें क्या होती है, दिशा नहीं होती है, लेकिन बल में आपका क्या होता है, तो बल में आपकी दिशा होती है, तो ये क्या होता है, तो ये आपका सदिश राशि होता है। तो ये आपका कैसी राशि होता है, सदिश होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कूलाम के नियम का सदिश रूप देख रहे हैं। ठीक, तो कूलाम को सदिश में हम कैसे लिखेंगे वो देख रहे हैं। इसके पहले एक बार और मैं आपको कूलाम का नियम बता देता हूँ कि क्या है। वैसे तो हम ऊपर पढ़ के आए, अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती समझ में तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हो। तो कूलाम का नियम हमारा क्या होता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। और ये बल हमारा कितना होता है, तो F बराबर होता है 1/4π0, और ये होता है Q1Q2/r2। ये हमारा क्या होता है, बल। अब मैं इसको सदिश में लिख रहा हूँ, तो सदिश में लिखूंगा तो क्या है, देखो जैसे एक ये बिंदु है मेरे पास में Q1 और एक ये बिंदु है Q2। तो अगर मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जा रहा हूँ तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, तो इसकी दूरी हो जाएगी r12 वेक्टर। इसकी दूरी क्या हो जाएगी, r12 वेक्टर। तो हमेशा हम दूरी को कैसे लिखेंगे, r12 में। ठीक, और हम जानते हैं जब भी कोई सदिश राशि होती है, जैसे r12 वेक्टर है, मेरे को इसकी केवल दिशा ही चाहिए, तो इसको क्या लिखूंगा, r12 कैप। और ये क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे r12 कैप बराबर होता है आपका r12 वेक्टर बटे में r12 का, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 11वीं क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि ये आपका क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो 11वीं क्लास की भी हम लोग बहुत ही जल्दी सीरीज देने वाले हैं, तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है आप वहाँ भी देख सकते हो। तो r12 कैप बराबर क्या होता है, r12 का वेक्टर अपॉन में r12 का ये मैग्नीट्यूड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाण। परिमाण से किसी सदिश को अगर हम भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, दिशा। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको बोल रहा था 10 किलोमीटर किधर चले जाओ, पूरब की तरफ। अब मैं बोल रहा हूँ पूर्व की तरफ चले जाओ, तो वो क्या है, केवल दिशा है, परिमाण तो मैंने बोला ही नहीं। तो दिशा को हम किससे बताते, कैप से। और जब भी दिशा बताते ये कैप में लिखा होता है, तो इसका परिमाण अंडरस्टूड होता है कि आपका परिमाण क्या होगा, तो ये इकाई होगा यानी एक के लिए होगा। ठीक, तो दूरी के परिमाण को हम कैसे लिखते, r12 मतलब पहले बिंदु से हम कहाँ जा रहे हैं, दूसरे पे। और अगर मैं ऐसा लिख दूँ r21 वेक्टर, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये दूसरे से पहले की तरफ आ रहा हूँ। जैसे ही मैं r12 वेक्टर लिखूंगा तो पहले से कहाँ जा रहा हूँ, दूसरे की तरफ। और अगर मैं r21 लिखूंगा तो दूसरे से कहाँ आ रहा हूँ, तो ये आ रहा हूँ पहले की तरफ। ठीक है, लेकिन बल में थोड़ा सा अलग होता है, फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, तो फोर्स में इसको या बल में हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं। देखो ये किस तरह से, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है किसको लेकर के, कूलाम के सदिश रूप को लेकर के, बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना। बल को हम कैसे लिखेंगे, अब तो बल होता है हमारा फोर्स, तो मैं लिख रहा हूँ फोर्स और मैंने लिख दिया F21 वेक्टर। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। तो 2 और 1 लिखा है, मतलब दूसरे के ऊपर आपका बल लग रहा है, पर किसकी वजह से, ये पीछे वाले 1 की वजह से। तो जो पहले आवेश के कारण दूसरे के ऊपर बल लगेगा तो इधर लगेगा, जैसे दोनों धनात्मक होंगे तो इधर, तो इसको मैं लिखूंगा F21 वेक्टर। और अगर मैं लिख रहा हूँ F12 वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, दूसरे आवेश की वजह से पहले के ऊपर बल लग रहा है, तो दूसरा आवेश हमारा क्या है ये, और पहले के ऊपर बल लगेगा तो इधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर। ठीक है, तो जब मैं तो ये क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर क्या है कि पहले आवेश के ऊपर बल लग रहा है किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, तो आ जाएगा हमारा F12 वेक्टर।
और F21 वेक्टर का मतलब क्या है, पहले आवेश की वजह से बल लग रहा है दूसरे के ऊपर, और दोनों क्या है अलग अलग चीजें, ठीक है। जैसे एक बार और मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये किस तरह से, तो आप ये वाले डायग्राम को देखो अगर यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, ये आपका Q2 आवेश है और ये आपका क्या है, ये Q1 आवेश है। तो Q2 आवेश से Q1 के ऊपर जो बल लगेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, F12, क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर, क्योंकि पहले आवेश के ऊपर बल लग रहा है किसके कारण, दूसरे के कारण, और अगर दूसरे पहले से दूसरे पे लगेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा F21 वेक्टर, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बल को लिखते हैं। अब मैं निकाल रहा हूँ F12 वेक्टर, तो F12 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें हम जानते हैं 1/4π ε₀ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और साथ में Q1 और Q2 में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, पर जो आपका R है वो बदल जाएगा। तो R आपका क्या है, तो आप दूसरे से पहले की तरफ जा रहे हो, तो ये आप क्या लिखोगे, R21 लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, R21 वेक्टर का स्क्वायर, और जैसे ही आप किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हो तो उसमें सदिश राशि रहता नहीं है, तो यहाँ पे R21 का क्या आ जाएगा, कैप। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सदिश रूप में हो गया कूलाम का नियम। आप याद रखना कि फोर्स जब 1-2 लेते हैं तो दूरी क्या लेंगे, R21, और यहाँ पे क्या लेंगे, R21 कैप, जैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R21 और यहाँ पे R21 लिखा नहीं है, R12 या R21 लिखा नहीं है। ये इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब भी किसी वेक्टर का आप वर्ग कर देते हो तो फिर वो आपका सदिश राशि का अगर आप वर्ग करते हो तो वो अदिश बन जाती है, इसीलिए आप इसको R21 लिखो या फिर R लिखो, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, R ही लिखा हुआ है, पर पीछे आप क्या लिखोगे इसकी दिशा, तो जब ये R21 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1-2 आ जाएगा, क्योंकि दूरी को हमेशा ऐसे लिखते हैं कि एक बिंदु से दूसरी की तरफ, मतलब R12, लेकिन दूसरे के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, पहले की वजह से। तो इसको क्या लिखूंगा, F21, ठीक। जो हमारा F21 होता है वो बराबर होता है F12 के, पर इसमें किसका गुणा करना होता है, माइनस का, क्योंकि माइनस आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, दिशा को। तो आपका F12 में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो F21 हो जाएगा। सेम अगर R12 में, R12 चाहता हूं तो R21 में माइनस से गुणा करूंगा तो ये भी हो जाएगा। तो मेरे पास में एक है F21 वेक्टर बराबर क्या आ गया, माइनस F12 वेक्टर। तो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी F21 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 0। तो ये हमारा क्या था, कूलाम के नियम का सदिश रूप था, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत देखो क्या होता है, तो विभिन्न आवेशों के कारण किसी भी आवेश पर लगने वाला शुद्ध बल अन्य सभी आवेशों के द्वारा दिए गए आवेश पर लगाए गए व्यक्तिगत बलों के सदिश के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत आपका इस तरह से होता है कि जब भी आपके बहुत सारे बल लग रहे होते हैं, जैसे ये हमारा एक आवेश है तो इसको मैं मान ले रहा हूँ Q0, और एक ये आवेश है इसको मैंने मान लिया Q1, तो इन दोनों को तो मैं निकाल लूंगा, पर इसके साथ में एक और आवेश है Q2, तो ऐसा थोड़ी ना कि ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, Q1 Q0 के ऊपर बल लगा रहा है तो Q2 Q0 के ऊपर बल नहीं लगाएगा, जब ये साथ में तो लगाएगा। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे आवेश आ जाते हैं, जैसे Q3 Q4, तो जैसे ही ये Q0 के ऊपर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे बल आ जाते हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4, ये ज़्यादा बल जब एक साथ लग रहे होते हैं तो इनका परिणाम क्या हो जाता है, एक ही कुछ हो जाता है, और उसी सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। जब एक बिंदु के ऊपर बहुत सारे बल लग रहे होते हैं तो उन सब सारे बलों को हटा करके एक बल ही हम लोग मानते हैं, जो उसका क्या होता है, परिमाण होता है, परिणाम होता है, तो उसी परिणाम को निकालना हमारा क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक। और इसका मान क्या होता है, ये आता क्या है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कितना आता है। तो देखो पहले हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत में। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, अगर ये आपको डायग्राम कन्फ्यूजन देगा तो मैं बाद में पड़ोस में बना देता हूँ अभी थोड़ी देर बाद, पहले इसको समझ लेते। तो एक हमारे पास में बिंदु है Q0, इसके ऊपर बल लग रहा है Q1 से Q2 से, ठीक है, और साथ में किससे, Q3 से। तो तीन अलग अलग उससे बल लग रहा है और तीनों को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, Q1 Q2 Q3 को, Q0 भी हमारा धनात्मक है। तो ये Q1 Q2 को क्या करेगा, जब इसके ऊपर बल लगेगा तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये दिशा हो जाएगी। Q3 जब Q0 के ऊपर लगेगा तो इसका बल इधर हो जाएगा, Q2 का इसके ऊपर लगेगा तो ये बल इधर हो जाएगा। तो Q0 के ऊपर तीन बल लग रहा है, F03, F01, F02,
ठीक है, तो इन तीनों बलों को मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा तो एक नया बल आ जाएगा। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ जीरो वन वैक्टर प्लस एफ जीरो टू वैक्टर प्लस एफ जीरो थ्री वैक्टर। इन तीनों को जैसे ही मैंने जोड़ा, तो जब भी आपके अलग अलग बल लग रहे होते किसी एक बिंदु पर, उन सब का जो योग होता है वो आपका क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं डायग्राम तो मैं आपको एक बार छोटा सा बता चुका हूँ, पर बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे क्या होता है, डाउट होता है यानी कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको एक नया डायग्राम बना करके आपको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, शो कर देता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम जनरेट ना हो। तो सपोज करो मेरा यहाँ पे एक आवेश है क्यू जीरो, इसके ऊपर बल लग रहा है, एक यहाँ पे आवेश क्यू वन की वजह से, एक यहाँ पे आवेश ले रहा हूँ क्यू टू, और एक यहाँ पे आवेश ले रहा हूँ क्यू थ्री, और यहाँ पे ले रहा हूँ क्यू एन। तो ये जो हमारे आवेश हैं इनकी वजह से क्यू जीरो के ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है अलग अलग उससे। तो जैसे ये बल लगेगा तो क्या होगा, इसमें और भी बहुत सारे हैं तो मैंने डायरेक्ट क्यू एन ले लिया, पर और भी बहुत सारे होंगे, तो आप जैसा दो तीन बल लगाएंगे वैसे ही एन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो पहला आवेश है वो कितना बल लगा रहा, तो पहला आवेश जो बल लगाएगा जीरो के ऊपर, तो इसको मैं लिखूंगा एफ जीरो वन, क्योंकि पहले आवेश के कारण जीरो के ऊपर जो बल लग रहा, तो वो क्या आएगा, वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये आ जाएगा क्यू जीरो क्यू वन, और नीचे आ जाएगा आर वन जीरो का वेक्टर स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा आर वन जीरो का कैप। देखो ये जीरो वन लिखा, तो इसको उल्टा लिखना है वन जीरो, और इसको मान लिया मैंने समीकरण वन। दूसरा लूंगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ जीरो टू वैक्टर, और ये किसके बराबर आएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये आ जाएगा आपका क्यू जीरो क्यू टू अपॉन में आर टू जीरो वैक्टर का स्क्वायर, और साथ में आर टू जीरो का कैप। तो ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। ऐसे ही आपका तीन के लिए आएगा, चार पांच के लिए आएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको लिख लेना है, और नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट एन के लिए लिख लो। तो एफ जीरो एन क्या आएगा, तो एफ जीरो एन बराबर आ जाएगा आपका वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू जीरो क्यू एन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर एन जीरो वैक्टर का स्क्वायर, और साथ में आर एन जीरो का कैप। तो ये हो गया हमारा समीकरण तीन। इन सबको मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत से हमारा क्या होगा, तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ऐसा कि अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हमारा क्या हो जाएगा, तो फिर ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से जो आपका एफ जीरो है, मतलब जो ये जीरो के ऊपर टोटल बल लग रहा है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ जीरो वन, पहले आवेश के कारण जो बल लग रहा, दूसरे आवेश के कारण बल लग रहा, और ऐसा तीसरे के कारण, चौथे के कारण, और एनवे आवेश के कारण। तो इन सारे आवेशों के कारण जो बल लग रहा वो हमारा ये आ जाएगा। ठीक, अभी मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर डायग्राम को क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, इस डायग्राम को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे हटा करके और स्क्रीन को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाए। तो ये इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका एफ आया यहाँ पे क्या है, ये आपका एफ आया, इसमें एक एक करके हम क्या करेंगे, एफ वन एफ टू एफ थ्री का मान रख देंगे। तो जो आपका एफ जीरो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एफ जीरो सदिश राशि बराबर हो जाएगा, एफ जीरो वन का मान क्या होता है, तो ये होता है हमारा वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और क्या आएगा, क्यू जीरो क्यू वन अपॉन में आर वन जीरो वैक्टर का स्क्वायर, और आर वन जीरो का कैप प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा, वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये क्या आ जाएगा, क्यू जीरो क्यू टू अपॉन में क्या आ जाएगा, आर टू जीरो वैक्टर का स्क्वायर, और आर टू जीरो का कैप। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एफ वन एफ जीरो वन और एफ जीरो टू का मान रख दिया, ये एफ जीरो वन और एफ जीरो टू का मान रख दिया। अब क्या करूँगा, मैं एफ जीरो एन का भी मान रखूँगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बीच में ये बहुत सारे फोर्स हैं, जैसे इसका रखूँगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये क्या आएगा, क्यू जीरो क्यू एन, और अपॉन में आ जाएगा आर एन जीरो वैक्टर का स्क्वायर, और साथ में आर एन जीरो का कैप। ठीक, इन सब में से मैं क्या करूँगा, तो इन सब में से वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं लूंगा वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, तो ये हमारा क्या बचेगा, क्यू जीरो क्यू वन अपॉन में आर वन जीरो वैक्टर का स्क्वायर, और आर वन जीरो का कैप प्लस।
इसका भी 1/4 pi epsilon 0 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, Q0 Q2 upon r20 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा r20 का कैन प्लस, और लास्ट में इसका भी कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, Q0 Qn, और ये आ जाएगा rn0 वेक्टर का स्क्वायर और साथ में rn0 का कैन। ठीक, अब ये जो क्वांटिटी है ये ऐसी बहुत सारी लिखी हुई है तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं समेशन के रूप में लिख दूंगा, और समेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो F0i वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, आई आवेशों के कारण जीरो पर के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/4 pi epsilon 0 और समेशन, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा समेशन, और समेशन में आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 से n तक। तो ये Q0 तो ऐसे ही रहेगा, ये Q1 फिर क्या हो रहा है Q2 फिर Qn, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Qi, और अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में r10 r20 वेक्टर rn0 वेक्टर का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ri0 वेक्टर का स्क्वायर, और साथ में कैप क्या आएगा, तो ये आ जाएगा ri0 का कैप। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत आ गया। ठीक है, आपके PDF में ये सारे डेरिवेशन नहीं है, तो ये सारे डेरिवेशन के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो या स्क्रीन को पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, पर ये आपको सारे डेरिवेशन सीखना जरूर है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमने देख लिया है, थोड़ा सा मैं रोक दे रहा हूँ ताकि आपको टाइम लग जाए यहाँ पे पॉज करने के लिए और लिखने के लिए। मैं इसको वापस से जूम आउट कर, ये जूम कर लेता हूँ, वापस से उसी कंडीशन पे ले आता हूँ, ये आ गया। तो आपका F कितना आने वाला है, तो फोर्स आपका आने वाला है F0i वेक्टर बराबर 1/4 pi epsilon 0 समेशन i1 to n Q0 Qi अपॉन में ri0 स्क्वायर और ri0 का कैप। उसके बाद में नेक्स्ट, देखो जब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि दो आवेशों के बीच में या तो आपका आकर्षण बल लगता है या क्या होता है प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक, तो ये आपका दो तरह का बल लगता है, और आकर्षण बल कहाँ लगता है, गुरुत्वाकर्षण में भी। तो एक कंफ्यूजन जनरेट जरूर होता है कि आपका स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में फर्क क्या है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो स्थिर विद्युत बल हमारा क्या होता है, तो ये तो अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं F=1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon r2, और ये गुरुत्वाकर्षण बल ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है कैपिटल जी m1 m2 upon r2। जो आपका यहाँ पे कैपिटल जी है ये आपका क्या है, तो ये आपका स्थिरांक है यानी कांस्टेंट है, और ये 1/4 pi epsilon 0 क्या है, तो ये भी आपका क्या है स्थिरांक है। ठीक, तो यहाँ पे F=क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon r2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m1 m2 upon r2। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, तो इनके बीच में पहले हम क्या पढ़ेंगे समानताएं, फिर क्या पढ़ेंगे असमानताएं। तो इन दोनों में समानताएं क्या है, तो ये पहली है AI व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या करता है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, मतलब इसमें जो ये बल है ये व्युत्क्रमानुपाती है आर वर्ग के, तो इसमें भी आपको दिख रहा है आर वर्ग के। दूसरा क्या है, यह एक केंद्रीय बल है जो दो बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, जैसे सपोज करो ये मेरा Q1 है और ये क्या है Q2, तो इसका बल हमेशा क्या होगा इसी दिशा पे होगा, या तो ये आकर्षित करते हुए होगा या फिर प्रतिकर्षित करते हुए होगा, पर होगा इसी दिशा में और कहीं नहीं जाएगा। सेम ऐसी क्या है, यह भी केंद्रीय बल जो द्रव्यमान जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, जैसे ये हमारा M1 है और ये क्या है M2 है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होगा इन केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की तरफ ये क्या करता है हमेशा आकर्षित करता है। तीसरा क्या है, यह एक संरक्षक बल है, मतलब जब भी आपका कोई कोलिजन या ऐसा कुछ होगा तो उसके पहले जितना बल होगा बाद में भी क्या है उतना ही होगा, गुरुत्वाकर्षण भी क्या है आपका संरक्षक बल है या संरक्षण नियम का पालन करता है। चौथा क्या है, यह निर्वात में कार्य करता है, तो निर्वात मतलब क्या होता है वैक्यूम, जहां पे कुछ भी नहीं हो, तो अगर इसके चारों तरफ कोई भी माध्यम नहीं है तो भी ये क्या होगा बल लगेगा, वैसे इसके चारों तरफ भी कोई माध्यम नहीं है तो भी ये क्या होगा बल लगेगा, तो दोनों क्या करते हैं निर्वात में भी काम करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है इसमें असमानताएं। ठीक है, तो असमानताएं हमारी क्या है, तो पहली असमानता है क्या है, स्थिर विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षित हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं जब समान आवेश होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, और सॉरी समान आवेश होते तो एक दूसरे को क्या करते प्रतिकर्षित करते, और असमान होते तो क्या करते आकर्षित करते, पर जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये हमेशा कैसा होता है, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करता है आकर्षित ही करता है,
दो अगर आवेश हैं तो ये एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। स्थिर वैद्युत बल कभी कभी आकर्षित करता है, कभी प्रतिकर्षित करता है। जब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षित। नेक्स्ट क्या, दूसरा, स्थिर वैद्युत बल प्रकृति में मजबूत होता है, तो इसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी प्रकृति में क्या होता है, कमज़ोर होता है। जैसे हम जानते हैं ये हमारा एक सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, तो सूर्य ने अर्थ को अपनी तरफ खींच करके रखा और ये रिवॉल्यूशन होता है किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो अब आप बोलोगे सर ये गुरुत्वाकर्षण बल तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है कि पृथ्वी जैसे इतना बड़े ऑब्जेक्ट को सन ने पकड़ करके रखा हुआ। तो एक्चुअल में क्या, अगर हम पृथ्वी जितना बड़ा आवेश लें और सन जितना बड़ा आवेश लें तो ये बल कहीं और ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि अर्थ जाकर के सन को ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है किसकी तुलना में, तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो आगे आपका एक क्विज टाइप का क्वेश्चन है। अभी जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अभी मैं एक ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो इसका नीचे आपको क्या करना है, कमेंट जरूर करना है। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, उतनी ज़्यादा आपको नए पार्ट्स इसके आते रहेंगे। तो ये क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, यदि आवेशित पिंडों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा है तो उन्हें मानते हैं, तो उन्हें हम क्या मानते हैं, शून्य आवेश, बिंदु आवेश, एकल आवेश या कोई आवेश नहीं। इसका आंसर फटाफट नीचे कमेंट करो, वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट करना है पहले, फिर उसके बाद में आगे जाना है। जितने ज़्यादा आप लाइक कमेंट और शेयर करते हो उतना ज़्यादा ही हम क्या करेंगे, आगे और अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। तो इसका हमारा क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, उन आवेशों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे आवेशों को हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे आवेशों को, तो ऐसे आवेशों को हम बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेकंड डे का पूरा पार्ट था। तो ये हमारा क्या था, ये अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, सेकंड डे पढ़ा हुआ है। इसके बाद में हम डे नंबर थर्ड देखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, तो ये हमारा डे सेकंड था। अब इसके बाद में हम डे थर्ड पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा। तो डे थर्ड जब हम पढ़ेंगे उसके पहले मैं आपको इसका पीडीएफ और डे पार्ट वगैरह कहाँ से मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है, आपके मोबाइल में जो भी ब्राउजर वगैरह है, जो भी, आपको वहां पे गूगल ओपन करना है और गूगल में जाकर के सर्च करना है। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस, ब्लास्ट कोचिंग और क्लासेस, ठीक है, क्या आपको टाइप करना है, ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस, और इसको अगर मैं सर्च करता हूँ तो जो ये पहली लिंक आएगी आपको इसको ओपन करना है। आपको हमेशा ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस या ट्वेल्थ ब्लास्ट लिख करके ही यहाँ पे आना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे तो आप देख पा रहे होगे कि ऐसा आपका क्या होगा, एक वेबसाइट आएगी इस तरह से, ये आपको दिख रहा है ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस। और अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है एमपी बोर्ड ऑनलाइन कोर्स फ्री एजुकेशन साइट। तो एमपी बोर्ड वालों के लिए फ्री कोर्स हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं जिसका कोई चार्जेस नहीं है, तो आपको यहाँ तक आना है। और इसमें बीच बीच में आपको एड्स दिखेंगे, तो ये टारगेट है हमारा कि 500 के एड व्यू होना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाता है, जिससे कि हम लोग आपको इसमें और अच्छा कंटेंट देते जाएं, क्योंकि कोई चार्ज नहीं कर रहा है, तो रेवेन्यू किससे जनरेट होगा, एड से। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके क्या है, सारे ट्वेल्थ के कोर्स हैं, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सारे कोर्स हैं। तो आपको यहाँ पे रिस्पेक्टेड थिंग्स मिलती जाएगी। वैसे आपको ट्वेल्थ के किस पे क्लिक करना है, ये ट्वेल्थ का भौतिक विज्ञान पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी हम हिंदी मीडियम का देख रहे हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ट्वेल्थ भौतिक विज्ञान पे, तो आपका यहाँ पे कोर्स ओपन हो जाएगा, 12वीं भौतिक विज्ञान हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड 2023 और 2024 के लिए। इसको आपको स्क्रॉल करा करके आना है, आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक स्टडी मटेरियल, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक, कम किया गया सिलेबस, पिछले साल के प्रश्न पत्र, टॉपर एग्जाम की कॉपी, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, यूट्यूब पर वीडियो, आईएमपी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक, जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, जैसे मैं इस पर कर देता हूँ आईएमपी क्वेश्चन, तो ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये देखो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर जैसे आपको ये नहीं, आपको नोट्स चाहिए, तो आपको आना है बोर्ड परीक्षा JEE के लिए नोट्स, जो JEE और नीट के लिए नोट्स हैं और बोर्ड परीक्षा के लिए, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये पहले ही अभी हम लोगों ने चैप्टर डाला है, धीरे धीरे करके यहाँ पे सारे चैप्टर आ जाएंगे। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे नोट्स पहला जो आई ये आपका है, यहाँ पे आपका क्या है, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो आप YouTube की वीडियोस पे पहुंच जाओगे, इस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको पहला, दूसरा, तीसरा ये पार्ट सारे मिलेंगे। उसके बाद में नीचे आओगे तो ये आपको डे वन की पीडीएफ है, फिर और नीचे आओगे तो ये आपको डे टू की पीडीएफ है,
ये आपका क्या है, डे टू की पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये जो आप एरो देख रहे हो इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो ये डाउनलोड का सिंबल है, यहाँ पे आप डाउनलोड चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। पर आपको ऐसा लगता है आपके मोबाइल में चीज़ें खो जाती हैं, तो आप यहीं से स्क्रॉल करा करके जितना भी इसका कंटेंट है क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, देख सकते हो। ये आपका डे क्या है, सेकेंड है। इससे पहले डे वन में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, डे थर्ड के लिए जाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें देखते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, आपके फ्रेंड्स को भी बताना है कि यहाँ पे फिजिक्स क्या है, आपका सारा पूरा सीरीज़ मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके थर्ड डे के साथ। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतना ही जल्दी हम लोग इसको लेकर के आएंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।